एवरीवन मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और आज हम बात करने वाले हैं पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट एक्चुअली क्लास में है इतना ही नहीं गूगल का गूगल सर्च एपल का सीरी एमेजॉन का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स के मूवी रिकमेंडेशन ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई पर बेस्ड हैं। एआई की शुरुआत 1940s, 1950s में हुई थी और इसका बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना अब जैसे एक छोटे से बच्चे को हम धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं कभी उसके साथ खेल कर उसे कुछ सिखाया जाता है कभी उसके साथ बातें करके उसे नई जगहों पर ले जाकर कुछ सिखाया जाता है वैसे ही कंप्यूटर्स को भी हम डेटा दे देकर उन्हें नई चीजें सिखाते हैं अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिख लें कितनी भी रिपोर्ट्स लिख लें कितने भी असाइनमेंट्स बना लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसा ही रहेगा उसके अंदर कोई नए फीचर्स कोई नई शक्तियां नहीं आ जाएंगी और वहीं अगर एआई की बात करें तो रोड्स पर जो ट्रैफिक के कैमराज होते हैं वो जितनी गाड़ियों का डेटा लेते रहते हैं वो उतने ही बेटर होते जाते हैं ए तो आई के पास जितना डेटा आता रहेगा वो उतनी ही बेटर हो जाएगी अब इस पर ये सवाल आता है कि आज की डेट में तो हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है व्हाट्सएप चला रहा है फेसबुक चला रहा है यूट्यूब चला रहा है तो एआई के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो यहां पर हम रुक कर थोड़ा सा बात करेंगे ए के दो टाइप्स के बारे में ए का पहला टाइप होता है जनरल ए और दूसरा टाइप होता है नैरो नैरोआई जनरल ए यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सकती है जैसे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का अगर एग्जाम्पल लें तो ह्यूमंस खाना पका भी सकते हैं उसको खा भी सकते हैं वो सिंग भी कर सकते हैं डांस भी कर सकते हैं कोड भी कर सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत सारे काम कर सकते हैं और वहीं अगर नैरो एआई की बात करें तो वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है जैसे अगर टेस्ला की गाड़ियों की बात करें तो यूएस के रोड्स पर अगर वो ट्रेंड है तो उनके अंदर यूएस का डेटा फीड हुआ है तो इंडिया के रोड्स पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी आज की डेट में हमारे पास जनरल एआई नहीं है एआई है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या बाकी जगह यूज करते हैं तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि ह्यूमंस के पास कंप्यूटेशनल पावर तो कम है लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो ए है उसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि वो किसी इंसान के स्कैन को देखकर कर प्रिडिक्ट कर दे कि कैंसर होने के कितने चांसेस हैं तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही चीज कर पाएगा लेकिन डॉक्टर्स उसके साथ साथ काफी सारी और चीजें भी कर सकते हैं यही डिफरेंस है ह्यूमंस में और आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस में आई होप कि आज की वीडियो से हमें एआई के बारे में काफी चीजें पता चली होंगी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग